लैंग्वेज डिवेलपमेंट इन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव डी स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में लैंग्वेज डिवेलपमेंट इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव में आपसे बात करनी है यानी दुनिया भर में लैंगवेज डिवेलपमेंट uh, कैसे होती है और उसका क्या नुकता है। तो लैंग्वेज डिवेलपमेंट इट्स अनिवर्सल प्रोसेस हैपन्स इन ऑल कल्चर एंड कंट्रीज तमाम कल्चर्स और मुल्कों में ये बुकूपजी होता है और इम्पॉटेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो ये किसी भी कल्चर और लैंग्वेज के तनवो की एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अहम है लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसेप्टिव यानी प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी स्पोकन तो ये नहीं प्रोडक्शन और स्पोकन लैंग्वेज दोनों की के लिए की एक्सप्रेशन के लिए ये बहुत अहम है कल्चरल इन्फ्लुस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट Uh, याद रखें जो लैंग्वेज होती है वो किसी भी कल्चर को हम बिल्कुल उससे अलग नहीं कर सकते कल्चर किसी भी ज़बान का इंटीग्रल पार्ट होता है सो कल्चर अफेक्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स तो नॉर्म्स ट्रेडिशन और उनके जो अबलाग के स्टाइल्स हैं ये सब असर अंदाज होते हैं उस पर सो कल्चरल प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग कैन इम्पेक्ट लैंग्वेज लर्निंग तो कल्चर की जो प्रैक्टिस हैं और स्टोरी टेलिंग और इस तरह की ये सारी चीज़ें लैंग्वेज डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती हैं कल्चरल डाइवर्सिटी आल्सो एंड रिच द लैंग्वेज एक्विजिशन जो कल्चरों culture, कल्चर्स की डाइवर्सिटी है यानी तनवू है वो भी बहुत गहरा असर डालती है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर और एक्सपोजर टू मल्टी कल्चर्स मल्टीपल कल्चर्स मल्टीपल कल्चर्स का एक्सपोजर होना उससे सामना होना ये बच्चे की लैंग्वेज को डिवेल्प करता है उसको शेप करता है और लैंग्वेज एक्सपीरियंसिस बनाता है उसके मल्टी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट तो मल्टी ये है कि बैक वक्त बहुत सी जबानों का सीखना ये मल्टी है और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है मल्टी लैंग्वेजम हैज़ कग्नेटिव सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स जो बहुत सी कसीर जुबानों का जो है वो बच्चे के जो काग्नेटिव डेवलपमेंट है काग्नेटिव सोशल और कल्चरल बेनिफिट्स हैं उसके बहुत से उसके सीखने में जैसे मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूवड कम्युनिकेशन यानी उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आते हैं और उसकी कम्युनिकेशन भी यानी ब्लॉक की सलाहियत भी बढ़ती है बायो चिल्ड्रन वो बच्चे जो दो ज़बानें सीख रहे होते हैं फेस लैंग्वेज मिक्सिंग टम्प्रेरी डिलेज इन लैंग्वेज डेवलपमेंट वो लैंग्वेज मिक्सिंग होती है उनकी यानी दो जुबानों के लैंग्वेज अल्फाज को मिक्स करते हैं इससे उनके बाजुकात तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले होता है लेकिन जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी ज़ुबानें डेवलप हो जाती हैं तो ये इम्प्रूव हो जाता है और ये बहुत इट हैज़ बेटर कग्निटिव फ्लैक्सिबिलिटी एंड मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस तो ये जहनी फ्लैक्सिबिलिटी और जुबान की जो बहुत सी uh, डायमेंशंस है उनको सीखने में या उनकी अवेयरनेस में मदद करती है लैंग्वेज माइल आप जानते हैं कि जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो जो बच्चा है बहुत से लैंग्वेज माइल से गुजरता है इसमें सबसे पहला है जो इसका जो है कोइंग बेबलिंग फर्स्ट वर्ड टू वर्ड्स स्टेज है और फिर मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस ये स्टेज है इस तरह उसकी सो दीज़ प्रोवाइड गाइडलाइन चेंजेस इन इंडिविजुल चिल्ड्रन development डिवेलमेंट एग्जिस्ट एग्जिट तो उसमें जो वो बच्चों को जो गाइडलाइंस फ्राहम करते हैं कि किस तरह इंफादी तौर पर बच्चों की लैंग्वेज वक़ूप पजीर हो रही है डेवलप हो रही है और कल्चरल लिंग्विस्टिक वेरिएशंस इसका भी ज़बानों की तरक्की में डिवेलपमेंट में बहुत गहरा असर होता है और जो जो बच्चे हर यानी हर लैंग्वेज में उन मुख्त माइल स्ट्रोन से वो गुजरते हैं वो सेम ही होते हैं बैन बी तौर पर जो भी आप ज़ुबान सीखें उसका माइल स्ट्रोन लैंग्वेज एक्विजिशन का वही होगा और इन साउंड प्रोडक्शन और स्पीच पैटर्न तो साउंड प्रोडक्शन और स्पीच पैटर्नस ये उसी तरह सीखे जाते हैं जैसे हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनमें सब बच्चे किसी भी ज़ुबान में कोई बच्चा सीखे तो उसमें से गुज़रता है लैंग्वेज डेवलपमेंट की असेसमेंट कैसे करेंगे सो कॉमनली यूज असेसमेंट पिक्चर वोकेबलरी टेस्ट है प्री स्कूल लैंग्वेज स्केल्स हैं और मैयर डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इसमें लैंग्वेज के मुखलिफ आस्पेक्ट्स को मैयर करना फोकस ऑन कल्चरल लिंग्विस्टिक फैक्टर्स तो कल्चरल और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को फोकस करना असेसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज की डेवलपमेंट असेस करते हुए इसको हमें फोकस करना चाहिए और कल्चरली सूटेबल असेसमेंट इन्वॉल्व द बाइलैंग प्रोफेशनल्स तो कल्चरली स्यूटेबल असमेंट हमें जो कल्चर के लिहाज से बेहतर असमेंट हो उसको आजमाना चाहिए और प्रोफेशनल्स के ज़रिए इसको असमेंट का प्रोसेस करना चाहिए लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड इंटरनेशनल परस्पेक्टिवस तो रेट ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ग्लोबली अफेक्ट चिल्ड्रेन इन ऑल कल्चर्स एंड कंट्रीज तमाम कल्चर्स में जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं वो असरअंदाज होते हैं बच्चों पर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर देर रेट वेरी ड्यू टू कल्चर एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर्स तो ये जो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो रेट है वो फ़र्क हो सकता है लिंग्विस्टिक्स फैक्टर्स की वजह से कल्चर की वजह से तो कल्चरल बिलीवस प्रैक्टिस एंड लैंग्वेज डिफरेंसिस तो कल्चर के जो बिलीव्स हैं एंड लैंग्वेजेस हैं डिफरेंसेस uh, हैं उन, उनका भी असर होता है उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे और मे अफेक्ट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर तो ये उनके लैंग्वेज डिसऑर्डर की डायग्नोस करने में और उसके को तो बेहतर बनाने में या उसकी असेसमेंट पे या उसके ट्रीटमेंट के पर असरंदाज हो सकता है स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जानी चाहिए सो मे मेकिंग लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट सबसे पहला काम है कि आप लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाया जाए एट होम एंड इन स्कूल्स तो स्कूल्स और घरों में पेरेंट्स एंड टीचर्स एनकरेज चिल्ड्रन फॉर द रीडिंग अलाउड बच्चों को रीडिंग अलाउड इसमें उनके लिए इनक्रेज करना चाहिए और डिवेल्प लैंग्वेज थ्रू प्ले एंड इंटरेक्ट इंटरेक्शन तो बच्चों को गेम्स के जरिए और इंटरेक्शन के जरिए लैंग्वेज सिखानी चाहिए तो ये थी लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स और डिसऑर्डर्स और उसकी स्ट्रेटजीज़ उसको इम्प्रूवमेंट करने की जो मैंने अभी आपके सामने रखी